लगातार आ रही लोगों द्वारा बदबू की खबर के बारे में गलत बातें फैलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने पलासिया से लेकर पिपलीहाना चौराहे तक जाकर देखा कि कहीं पर कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, यह लोगों द्वारा हुमर फैलाया जा रहा है। नहीं, कहीं किसी तरह की बदबू नहीं, एक किसी ने हुमर चलाया। अभी कमिश्नर साहब और हम लोग पलासिया एरिया में जहाँ बता रहे थे कि खूब पिपलीहाना चौराहे पे स्मेल आ रही, लेकिन वहाँ जाकर हमने देखा तो कहीं कोई स्मेल नहीं थी, तो ये उमर फैलाया जा रहा। इंदौर के कामों की लगातार समीक्षा बैठक होती है। हमने कई अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में कई स्थानों पर डिवाइडर बहुत ही गंदे हो गए हैं, उन्हें तुरंत धोने को कहा गया है। साथ ही जगह जगह बड़ा मलबा उठा है, कहीं कोई कमी देखती हूँ तो मैं खुद मॉनिटरिंग करती हूँ, अधिकारी को भी लगातार निर्देश देती हूँ। वही अधिकारियों के काम के बारे में पूछा गया तो महापौर ने कहा, राज्य सरकार के कारण हमारे अधिकारी दबाव में रहते हैं, फिर भी वह अपना काम कर रहे हैं। मैं लगातार कामों की समीक्षा करती हूँ और लगातार निर्देश भी देती हूँ। अभी मैंने सभी को निर्देश दिए थे, स्वच्छता वाले अधिकारियों को, जिस प्रकार से इंदौर शहर के जो डिवाइडर है बहुत गंदे हो रहे हैं, उसकी धुलाई के निर्देश दिए थे, और जहाँ जहाँ मलबा पड़ा वो उठाने के निर्देश दिए। निगमायुक्त आशीष सिंह ने बताया कि पिछले 15 दिनों की बात करें तो लगभग 60 से 65 कर्मचारियों पर कार्रवाई कर चुके हैं, जिनमें से अधिकतर को हाजिरी मुक्त कर और कई कर्मचारियों की तनख्वाह भी काटी है, इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल है। देखिए, हमने अगर पिछले 10-15 दिनों की बात करें तो लगभग 60 से 65 कर्मचारियों के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं और उनको हाजिरी मुक्त करने का काम कर चुके हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों की हमने तनख्वाह भी काटी है और हिदायत भी लगातार दी जा रही है कि जो भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। देखिए, बड़े अधिकारी और कर्मचारी के नाम तो अभी मुझे नहीं याद है, लगभग पीएचई के कई सारे इंजीनियर्स थे, 32-37 इंजीनियर्स थे जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी थी, कुछ जेडो थे जिनकी हमने तनख्वाह रोकी थी, और सीएसआई और एचओ भी थे जिनके हमने 7 दिनों के 15 दिन की तनख्वाह रोकी थी। सर, पिपलीहाना तालाब को लेकर के वही स्वच्छता में चौका लगाने के बाद पर कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। डबल प्लस वेरिफिकेशन टीम ऑडी 3 स्वच्छता में 7 स्टार के लिए और स्वच्छता सर्वेक्षण की हर पहलू पर हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से लेट होने के कारण हमने पहले ही जानकारी भेज दी, लेकिन उनके आने तक हमारी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। देखिए, चौका लगाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ODF डबल प्लस वेरिफिकेशन, वाटर प्लस वेरिफिकेशन वाली टीम अभी आने वाली है। जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से जो टीम है वहाँ से थोड़ा डिले हो रहा है। हम लोग तो काफ़ी पहले हम लोगों ने डिमांड भेज दी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है अगले 3-4 दिनों के अंदर वो टीम आ जाएगी। हमारी तैयारी ODF डबल प्लस की पूरी हो चुकी है, बाकी 7 स्टार के लिए और स्वच्छता सर्वेक्षण के जो अन्य पहलू हैं उनकी तैयारी पूरी जोरों पे हमारी स्टार्ट हो गई है, और जब तक वो टीम आएगी उससे पहले हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। सर, नदियों के शुद्धिकरण इंदौर स्वच्छता को लेकर कई राज्यों से आए दलों पर कहा कि अभी केवल 7,000 प्रति व्यक्ति लगाए हैं, जब कभी बड़ा कोई दल आता है तो 1,00,000 तक की राशि हमें मिलती है। अभी लगभग 10 से 15 लाख रुपए राशि मिली है और भविष्य में और ये राशि बढ़ने की संभावना है। देखिए, अभी हम लोगों ने 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति लगाए हैं और जब भी कोई बड़ा दल आता है हमको अधिक राशि की प्राप्त होती है। अभी एक बड़ा दल आया था जिसमें 1,00,000 से अधिक की राशि हमें उस दल से प्राप्त हुई थी। मुझे लगता है अभी तक की जो इनकम है वो हमारी 10-15 लाख से ऊपर पहुँच चुकी है और भविष्य में इस इनकम के और ज्यादा बढ़ने की संभावना। निगमायुक्त ने बताया कि स्वच्छता अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी होता है कि कोई भी खुले में श्वानों को शौच नहीं कराए। अगर ये होता है तो उनके मालिकों से स्पॉट फाइन लिया जाएगा, और आज से स्पॉट फाइन बनना शुरू हो गया है। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण का बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि खुले में जो पालतू डॉग्स होते हैं उनको लोग जो गंदगी फैलाते हैं उनके माध्यम से, वो उस पर भी कार्रवाई हमको करनी है। तो हमारी तरफ से पूरी टीम को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोग जब भी मिलते हैं उनके खिलाफ स्पॉट फाइन बनाए जाए। आज से स्पॉट फाइन बनने भी प्रारंभ हो जाएंगे। सर, अभी इंदौर के महापौर ने कितनी गति से विकास कार्य चल रहा है इसका भी अवलोकन किया। इंदौर के चौथी बार नंबर 1 बनने को लेकर कहा कि जिस तरह हम लगातार 3 बार स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं, उसी तरह हमें पूरी उम्मीद है इस बार भी स्वच्छता में चौका जरूर लगाएंगे।